हेलो, वेलकम टू दी ऑनलाइन एमसीक्यूज प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज फॉर नीट जेडब्ल्यू एंड गुजकैट। डियर स्टूडेंट्स, करंटली वी आर डिस्कसिंग पेपर सॉल्यूशन ऑफ गुजकैट 2017। क्वेश्चन नंबर 36। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजिस ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन विल बी। तो बच्चों, हमें पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है वो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस एम लैम्डा। अब बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज हमें दी गई है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज स्मॉल डी, विच इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दैट इज लैम्डा। तो अगर बच्चों डी की जगह पे हम लेमडा लिख दे तो क्या हो जाएगा, लेमडा लेमडा कट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस एम। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए। तो एम क्या डिनोट करता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, मतलब इट डिनोट्स द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, लाइक वाइज। तो यहां पे हमें एम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बिकॉज वी नीड मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो m की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, तब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, एंड दिस डिनोट्स द वी हैव द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन द स्क्रीन। m इज इक्वल टू 1 डिनोट द फर्स्ट पेयर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों स्क्रीन पे, हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, दैट इज लाइक दिस, बीच में जो होती है दैट इज द सेंट्रल मैक्सिमा, और यहां पे हमें मिलेगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सॉरी यहां पे ऐसे ही होगा, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये दोनों फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है बच्चों, ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा। तो हमें कितनी ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, वी आर गेटिंग द टोटल 3 ब्राइट फ्रिंज। और एक दूसरी चीज याद रखना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये विड्थ जो होती है ब्राइट फ्रिंजिस की वो सबकी सेम होती है, वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो या सेंट्रल मैक्सिमा हो। ओके, सो वी आर गेटिंग टोटल 3 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन दिस स्क्रीन, दैट इज द सेंट्रल मैक्सिमा, दैट इज करस्पॉन्ड टू एम इज इक्वल टू 0, एंड दिस ब्राइट फ्रिंजेस करस्पॉन्ड टू एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। समझ में आ गया, सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 6000 एंगस्ट्रॉम, द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हैविंग डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज ब्लैंक रेडियन। तो बच्चों, यहाँ पे टेलीस्कोप का एंगुलर रिजोल्यूशन फाइंड करना है। तो बच्चों, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो टेलीस्कोप के एंगुलर रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाई डी। लैम्बडा कितना है, 6000 एमस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे बच्चों 6000 एमस्ट्रॉन्ग आएगा, दैट इज एमस्ट्रॉन्ग को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 10^-10 मीटर। ओके, और नीचे क्या है बच्चों, डायमीटर वो सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10^-2 मीटर। तो ये -2 मीटर ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 10^-8। तो हमें मिलेगा 1.22 मल्टीप्लाई बाय 6000 मल्टीप्लाई 10^-8 डिवाइडेड बाय 10। बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मतलब मिलेगा 7.32 मल्टीप्लाई बाय 10^-6 रेडियन। ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस कैलकुलेशन, इफ यू डू दिस कैलकुलेशन, यू विल गेट द आंसर 7.32 मल्टीप्लाई 10^-6 रेडियन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इन द डिस्चार्ज ट्यूब एज द डेंसिटी ऑफ एटम इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बच्चों, जैसे जैसे एटम की डेंसिटी इंक्रीज होती है द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एटम इंक्रीज मतलब नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होना। तो नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे तो इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस विल ऑल्सो इंक्रीज कंटिन्यूअसली। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजेनिक आयन्स वीपी एंड वीक्यू रिस्पेक्टिवली, इफ वीक्यू लेस देन वीपी देन रेडियस विल बी व्हाट। तो बच्चों, यहां पे हमें
आयोनाइजिंग पोटेंशियल दिया है वीपी एंड वीक्यू, और आयोनाइजिंग पोटेंशियल का एक रिलेशन है दैट इज वीपी ग्रेटर देन वीक्यू, तो रेडियस का क्या रिलेशन होगा? तो बच्चों आयोनाइजिंग पोटेंशियल जो होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज वी प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर। तो बच्चों यहां पे क्या है, वीपी ग्रेटर देन वीक्यू है, तो व्हाट अबाउट द रेडियस, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सो आरपी लेस देन आर क्यू, आरपी लेस देन आर क्यू। समझ में आया? बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो अगर वीपी ज्यादा होगा तो वीक्यू आरपी कम होगा। ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, यहाँ पे बी आएगा, सॉरी दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स रिप्रेजेंट व्हाट, मतलब एक्स क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, पॉजिट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा? तो बच्चों याद रखो कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में दोनों साइड जो एटॉमिक नंबर जेड एंड एटॉमिक मास नंबर ए दोनों कंजर्व होनी चाहिए, मतलब दोनों का बैलेंस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टोटल जितना जेड होना चाहिए वहां टोटल जेड यहाँ पे भी होना चाहिए, जितना ए यहाँ पे होना चाहिए टोटल उतना ही ए यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों जेड मतलब कितना है, यहाँ पे जेड 4+2, तो ये 6 है जेड की वैल्यू, यहाँ पे 6 है तो बैलेंस हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। यहां पे देखो व्हाट अबाउट द एटॉमिक मास नंबर ए, 9+4 दैट इज द 13, तो यहां पे 13 है और यहां पे 12 है, तो यहां पे अगर बैलेंस करना है तो एक्स ऐसा मतलब पार्टिकल होना चाहिए कि मतलब उसका एटॉमिक मास नंबर 1 हो तो, और उसका एटॉमिक नंबर 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रॉन 1n0। तो अगर मैं 1n0 रख, 0n1 और 1n0 यहां पे लिखूंगा, न्यूट्रॉन रखूंगा, तो हमारा एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दोनों का बैलेंस हो जाएगा, सो एक्स रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रॉन। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों यहां पे हम हमारा गुजकेट 2017 का पेपर सॉल्यूशन समाप्त करते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन थे गुजकेट 2017 में वो सब डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। आई होप कि हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गुजकेट 2017 में वो सब आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन पेपर सॉल्यूशन ऑफ गुजकेट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विथ न्यू पेपर सेट। थैंक यू वेरी मच।